और पढ़ने में कोई गलती और कोताही होगी तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों को, सहरी टाइम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चले जी, तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का कलाम बहुत ही खूबसूरत है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चले तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरपेश हो तेबा का सफर कैसा लगेगा, दरपेश हो तेबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, ए प्यारे खुदा देखूं मैं सरकार का जलवा, सरकार का जलवा, ए प्यारे खुदा देखूं मैं सरकार का जलवा, मिल जाए दुआ को जो असर कैसा लगेगा, मिल जाए दुआ को जो असर कैसा लगेगा, एकाश मदीने में मुझे मौत यूं आए, मौत यूं आए, एकाश मदीने में मुझे मौत यूं आए, सरकार के कदमों में हो सर कैसा लगेगा, सरकार के कदमों में हो सर कैसा लगेगा, जब दूर से है कितना हसीं गुंबद खिजरा, गुंबद खिजरा, जब दूर से है कितना हसीं गुंबद खिजरा, गुंबद खिजरा, इस बार ये आलम है वहाँ कैसा लगेगा, इस बार ये आलम है वहाँ कैसा लगेगा, दरपेश हो तेबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, तेबा की सादत तो यूं पाते हैं हजारों, पाते हैं हजारों, मुर्शिद का साथ हो जो सफर कैसा लगेगा, मुर्शिद का साथ हो तो सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, यूं तो गुजारते हैं सभी जिंदगी लेकिन, जिंदगी लेकिन, दरबारे नबी में हो बसर कैसा लगेगा, दरबारे नबी में हो बसर कैसा लगेगा, दरपेश हो तेबा का सफर कैसा लगेगा, गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा। चले जी, तो आज का प्रोग्राम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो, मैं करता हूँ खैरियत से, तुम भी खैरियत से। तो आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, कुरान की तिलावत से। तो ये जो कुरान शरीफ है मैं वहाँ से हरम से लेके आया था, तो आज मेरी दिल की चाह थी कि मैं रमज़ान में इसमें से आपको एक कलाम पढ़ूँ, सूरत फातिहा से इब्तिदा करता हूँ और चलते हैं फिर आपको सूरत फातिहा की तिलावत करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपको सूरत फातिहा का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। तो अब आपको मैं तफसील सुनाता हूँ कि आज हम जिक्र करेंगे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। तो चलें मैं आपको सुनाता हूँ के बारे में। हकीकत ये है कि बामुराद लोग वही हो सकते हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करें, उसकी नाफरमानी से बचें। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे शेर दिल और बहादुर के इस्लाम लाने से मक्का की ताकतों कुव्वतों पर सत्ता तारी हो गया था। उमर बिन खतीब शमशीर बराना हल के शिकार हक के लिए निकले, रस्ते में एक कुरैश नौजवान नईम बिन अब्दुल्ला से मुठभेड़ हो गई, उनके तेवर बदले देखा तो पूछा किधर का इरादा है। उमर ने बड़ी
रूहानियत से जवाब दिया कि उस शख्स का शर्म कलम करने के लिए जा रहा हूं जिसने मेरे शहर का सुकून छीन लिया है और घर घर नफरत का अंगारे धिका दिए हैं। नेम ये कि इधर बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो। तेरी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तेरे बहनोई हजरत नबी का कलमा पढ़ चुके हैं। ये सुना तो गुस्से से बेकाबू हो गए। सैयदना बहन के घर पहुंच गए और दरवाजा खटकाया तो खामोशी तारी हो गई। दरवाजा खुला तो पूछा कैसी आवाजें आ रही हैं। बहन को देखते ही गजब होकर हजरत उमर बोले मुझे पता चल गया है। तो मुर्तद हो गए बहनोई हजरत सईद बिन जैद सन्हा कहा गुमराही का दीन तो है वो है जिस पे तुम चल रहे हो। सुना है कि उमर आपे से बाहर हो गए। बेतहाशा जोदोगोब करने लगे। जख्मी बहन ने पूरी इस्तकामत से कहा उमर जो चाहे कर लो, अब इस्लाम दिल से निकलने का नहीं है। सख्त दिल बहन के फूल की पत्ती जैसे बोल से कट गया। हाथ रुक गए। पूछा वो क्या चीजें तुम लोग पढ़ रहे थे। फरमाया कलाम अल्लाह का जिक्र का जरा भी। देखो बहन ने बेधड़क होकर जवाब दिया तुम मशरिक हो, नजस हो, नापाक हो, तुम इस सहीफे को हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुसल करो। गुसल खाने से निकले तो बहन ने महसूस किया कि भाई का चेहरा ही बदल गया है। सूरह ताह पेश किए पढ़ने लगे तो जहन के घोर अंधेरे से छटने लगे। सूरह ताह की आयात नंबर 14 इन्नी अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व अकामस सलावात व ज़िक्री पढ़ी तो दिल पत्थर दिल मोम हो गया। बेख्तियार बोल उठे क्या यही अच्छा और बुजुर्ग कलाम है जो मुझे फौरन अल्लाह रसूल सल्लम के पास ले चलो। ये इनकलाब बहुत रोनुमा नहीं हुआ था बल्कि उसके पस से पर्दा महबूब रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की तासीर कार फरमा थी। सिर्फ एक रोज पहले आपने रब काबा के हजूर दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह खास उमर बिन खिताब से इस्लाम को कुव्वत दे। पूछा उस वक्त मेरे आका कहाँ हैं। कहा अरकान के मकान में। दरवाजे पे दस्तक दी आने की इजाजत चाहिए। उमर को गले में भरना तलवार के साथ देखा तो मकीन हरासा हो गए। हजरत हमजा सऊजू 3 दिन पहले ही अहले ईमान की सफों में शामिल हुए थे ने फरमाया आता ही है तो आने दो, अदब से पेश आया तो इज्जत मिलेगी, गुस्तागी की तो उसकी तेज से उसका सर कलम कर दूंगा। हजूर अकरम ने फरमाया दरवाजा खोल दो। उमर अल्लाह के रसूल के करीब हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर की चादर को पकड़कर उधर जोर से झटका दिया और फरमाया ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे, ए अल्लाह उसके दिल को हिदायत के नूर से रोशन कर दे, ए अल्लाह उमर बिन खिताब के जरिए दीन को इज्जत बख्श, ए अल्लाह उमर के सीने से जो इस्लाम की अदावत उसको निकाल दे और उसको ईमान से बदल दे। इन अल्फाज की जबान नुबत से निकलना था कि कलमा शहादत उमर की जबान पे जारी हो गया। हान अल्लाह साकिनदार रकम ने बेख्तियार अल्लाह अकबर का नारा लगाया जिसमें रसूल सल्लम की आवाज भी शामिल थी। मुसलमानों ने जोर से नारे तकबीर लगाया था कि मकई गलियां और फिजाएं इस नारे से गूंज उठी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आज़म को के ईमान का वाकिया तारीख इस्लाम का एक अजीम तरीन वाकिया है। हजरत अब्बास ने फरमाते कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो जिब्राइल अमीन ने बारगाह नबूवत में हाजिर और गर्ज किए गए कि उमर के मुसलमान होने से सारा आसमान में रहने वालों ने मुसर्रत का इजहार किया। ए नबी तुझे और इन मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं अल्लाह काफी है। रवायत ये कि हजरत अमीर हमजा और हजरत उमर फारूक आजम के ईमान लाने पे हजरत जिब्राइल दर्जे सफर अनाल की आयत नंबर 64 लेकर हाजिर हुए। पहली बार सहाबा को मोमिन कहकर पुकारा गया। फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहले आसमान उमर के ईमान लाने पर मसरूर शादमा। ये भी फरमाया ए नबी खुदा का कानून अताअत मक़ूवत मकूमियत तेरे लिए काफ़ी है। इन मोमिनीन की जमात के लिए जो इस कानून को अमला को नाफिस करने के लिए तेरी इतबा करती है। तो जैसा कि आज का आपने मेरा बयान सुना होगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपने पिछले जो मेरे बयान है उसको भी बड़ा सराहा, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे मेरे बयान जो आप सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।